तेरे नाम में किसका था स्पेशल रोल, क्या डेजी शाह की होगी फिल्म एंट्री। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। हेलो दोस्तों, आपको बता दें सीक्वल फिल्मों की लिस्ट में जल्द ही एक और फिल्म का नाम जुड़ने वाला है, क्योंकि सलमान खान की सुपरहिट फिल्म तेरे नाम का सीक्वल बनने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक ने फिल्म की स्क्रिप्ट को पूरी तरह तैयार कर लिया है, जिसके बाद फिल्म के स्टार कास्ट को फाइनल करने का काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा फिल्म तेरे नाम 2 में हमें एक बार फिर कुछ एक्टर्स का स्पेशल अपीयरेंस दिखाई देगा। आपको तो याद होगा ही फिल्म तेरे नाम में बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी का स्पेशल अपीयरेंस था। महिमा चौधरी को सिर्फ फिल्म के गाने ओ जाना में सलमान खान के साथ डांस करते हुए देखा गया था। इसके अलावा ये बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म में डेजी शाह ने भी काम किया था। जी हाँ, आपने सही सुना, डेजी शाह ने भले ही फिल्म जय हो से अपना डेब्यू किया हो, लेकिन इस फिल्म से पहले उन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म तेरे नाम में स्क्रीन शेयर किया था। हालांकि वो इस फिल्म में एक बैक डांसर थी, फिल्म तेरे नाम के बाद ही सलमान खान ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री दिलवाई थी। वहीं इस बार फिल्म तेरे नाम 2 में हमें एक बार फिर डेजी शाह नजर आ सकती है, लेकिन इस बार वो बैक डांसर की जगह फिल्म के हीरोइन के तौर पर देखी जा सकती हैं। अब बताया तो ये भी जा रहा है कि फिल्म में इस बार दो हीरोइंस एक साथ दिखाई दे सकती हैं, जिसमें से एक डेजी शाह का नाम होने के चांसेस हैं। फिल्म में दो हीरोइंस होने का कारण है फिल्म की कहानी, जिसके हिसाब से इस बार हमें पिछली बार की तरह सैड लव स्टोरी नहीं बल्कि लव ट्राइंगल की कहानी दिखाई जाएगी, जिससे उदासी का लेवल थोड़ा कम होगा। अब इस तरह की कहानी को तैयार करने का सबसे बड़ा कारण है सलमान खान, जिन्हें सैड लव स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं है, जो सतीश कौशिक बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि डायरेक्टर के फिल्म की कहानी को बदलने से क्या सलमान खान इस फिल्म के लिए अपनी हामी भरते हैं या नहीं। अब आप लोग बताएं कि आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।